बिहार सरकार ने भाजपा कोटे के 4 पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को मौजूदा मंत्री कोटे के आवास को खाली नहीं किए जाने के एवज में 2,36,000 रुपए से अधिक के जुर्माने का नोटिस भेजा गया है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में रेणु देवी को जुर्माने की राशि जमा करने की हिदायत दी गई है। लेकिन मुझे दुख तब हुआ कि जब नवंबर में मेरे पास नोटिस आया कि प्रत्येक महीना 30 गुना एक्स्ट्रा लगा के आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा 2,36,000 रुपया, तो मैं सरकार से पूछती हूँ कौन सा न्याय है? अगर आपने मकान दिया और मैं MLA हूँ, उप मुख्यमंत्री थी, ठीक है आज मैं MLA हूँ, तो मकान खाली होगा तभी तो मैं जा सकूँगी। ये मकान 18 नवंबर कल के दिन में खाली हुआ है और आज से काम शुरू हुआ है, तो कहीं भी जाने के लिए आप वहाँ की स्थिति आप देखे होंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है, कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे ही। लेकिन मैं तो यहाँ रहते हुए रोज़ मैं धूल खाती हूँ और एक फ्लोर पे मैं सिमटी हुई हूँ और पूरा काम आज 10 दिनों से चल रहा है। रेणु देवी की तरह ही पूर्व उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पूर्व मंत्री राम सूरत कुमार, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान सहित अन्य को आवंटित बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। तय समय में बंगला खाली नहीं करने पर इन सभी को भी जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने की राशि बंगला खाली करने की समय सीमा बीतने के अगले दिन से खाली करने के दिन तक बंगले के लिए तय किराए पर 30% की दर से होगी। जुर्माना लगने के बाद इसकी माफी का प्रावधान नहीं है। इन सब के बीच BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जबकि JDU के कई लोग बिना आवास मिले ही बंगले में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। JDU के नेताओं को आखिर सरकार क्यों बिना बंगला अलॉट किए ही रहने दे रही है? संजय जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार BJP के साथ भेदभाव कर रही है। नीतीश जी जब सीधे जीत नहीं सके हैं तो वह एक उन्होंने 2-4 अपने एजेंट बहाल करके रखे हैं जो इसी काम में लगा रहता है कि कैसे भाजपा का वोट कटे। जनता काफ़ी समझदार हो चुकी है और जनता इस तरह के जो लोग हैं जो कि वोट काटने के लिए जिनको एजेंट के रूप में बनाया गया। मेरा तो नीतीश कुमार से प्रश्न है कि आप दोनों उप मुख्यमंत्री का आवास खाली कराने को कहते हैं, आप नेता प्रतिपक्ष का आवास जबरदस्ती खाली कराने का नोटिस देते हैं, लेकिन किस नाते एक व्यक्ति जो 6 महीने पूर्व खत्म जिसका हो चुका है विधान परिषद का, उसको आपने क्यों आवास दिया हुआ? वहीं बंगले को लेकर BJP द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भड़कते हुए कहा कि BJP झूठा प्रचार कर रही है, जब पद पर नहीं है तो आवास खाली ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ऐसे प्रोविजन होता है ना कि आप मैक्सिमम आप किसी मकान को, उनको एज ए मंत्री मिला था मकान और उसका प्रावधान है कि 3 महीने तक कोई व्यक्ति को मकान खाली के लिए स्पेस दिया जाता है और उसके बाद भवन निर्माण विभाग ने का एक कैबिनेट का निर्णय है कि अगर मकान खाली उसके बाद नहीं किया जाएगा तो मार्केट रेट से 30 गुना ज़्यादा उनसे रेंट लिया जाएगा। स्क्वायर फीट का हर कोई का उसका एक्सप्लेनेशन है, कहाँ है, किस एरिया में है, क्या है, नहीं उसका सब बना हुआ है। ये PWD बिल्डिंग का जो कोड है उसमें एक्टिफिकेशन कैबिनेट से किया गया, तो उसके बाद ये प्रावधान किया गया। ऐसा है कि सब कोई रहे हैं उसमें, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं रहा है और कोई नया चीज़ उनके लिए है, सबके लिए है। अब जब नोटिस सर्व हुआ है तब एहसास हो रहा है कि हाँ हमारे साथ इस तरह का बात हुआ, हमको नोटिस मिल गया। बहुत से IAS IPS को नोटिस हुआ है। देवेश चंद ठाकुर जी हमारे जो सभापति हैं, चुनाव लड़ने गए थे, उन्होंने पैसा जमा किया है क्योंकि वो जो टर्म था उनका टर्म खत्म हो गया था और उसके बाद वो एक्स्ट्रा रह गए थे, उन्होंने भी पैसा जमा किया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि कोई हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, अभी हमारे गांधी जी ने पैसा जमा किया है, जो हमारे सचेतक हैं उनको भी, उनका जो घर था वो उनके उससे बाहर था, उनको भी पैसा जमा, उनको भी नोटिस गया हुआ है। तो जो भी लोग समय से ज़्यादा, जो उनका अपना टर्म है उससे ज़्यादा रह रहे हैं, उनको नोटिस जा रहा है, उनको नोटिस दिया जाएगा। क्योंकि फिर आपको क्लियरेंस मिलेगा नहीं, जब चुनाव लड़ने जाइएगा आपको भवन निर्माण विभाग, बिजली विभाग, इससे जो जब जो NOC लेना है वो NOC आपको मिल नहीं पाएगा,